हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेनू और आप देख सकते हैं आज मैं करवा चौथ के लिए रेडी हूँ। तो आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो इससे रिलेटेड है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने वेस्ट मटेरियल से लेसेस बीट्स यूज़ करके कैसे बहुत अच्छे से करवा चौथ का डेकोरेशन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे छन्नी बनाई है, ये छन्नी बना सकते हैं और करवा आप रेडी कर सकते हैं और पूजा की थाल रेडी कर सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे पूरे वीडियो को देखिए और अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरा नाम है रेनू और आज मैं आपसे जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो है थाली डेकोरेशन की और करवा डेकोरेशन की और छन्नी डेकोरेशन की। तो फ्रेंड्स, जैसे हम सबको पता है कि करवा चौथ पर हम सब स्पेशल दिखना चाहते हैं, तो वैसे ही हम अपने पूजा करने वाली थाल को और करवा और छन्नी को हम डेकोरेट करना चाहते हैं। आजकल सब चाहते हैं कि हमारे जैसे वो भी बहुत सुंदर दिखें और उनके भी आजकल बहुत ट्रेंड्स हो गए हैं। बहुत सारे अच्छे फैशनेबल छन्नी आने लगे हैं और करवा आने लगे हैं और थाली आने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, क्यों ना आप इसे घर पर ही बनाएँ और डेकोरेट करें। मार्केट से इन सब के लिए पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, तो आप घर पे ही बहुत अच्छे से डेकोरेशन कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो आज मैं आपको जो चीज़ें बताने जा रही हूँ वो इन्हीं सब से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, अगेन हम यहाँ पे अपने घर के सारी वेस्ट चीज़ें यूज़ करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कुछ पुराने लेसेस और बीट्स। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज हम। तो मैं आपको बता दूँ कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ बता दूं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को बिग थम्स अप दें। तो फ्रेंड्स, चीज़ें चाहिए सबसे पहले वो है छन्नी। जैसे आप सबको पता है कि हम छन्नी पहले डेकोरेट करेंगे, देन कलश डेकोरेट करेंगे। तो हमें छन्नी और कलश, ये दोनों चीज़ें पहले चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ पुराने लेसेस चाहिए। जैसे फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपके घर पे जो भी पुरानी लेसेस पड़ी हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो तीन टाइप के लेसेस लिए हैं। अगर आपके पास गोटा लेस हैं, सिल्वर लेस हैं, जो सी भी लेस रखी हुई आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास लेस भी नहीं है घर पर तो वो भी मार्केट से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दूसरे ऑप्शन भी आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपके पास घर पर लेस नहीं है तो आप पेपर से भी कैसे लेस बना सकते हैं और उसे डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास घर पे बीट्स नहीं है, लेसेस नहीं है, तो भी आपको मार्केट से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल फैब्रिक कलर्स भी बहुत अच्छे से डेकोरेशन कर सकते हैं। तो मैं आज दोनों चीज़ें आपसे शेयर करूँगी कि आप कलर से भी कैसे डेकोरेट कर सकते हैं और बीट से भी कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं बता दूँ कि हमारे पास जो लेसेस पड़ी हैं हम उसका कैसे यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर मैंने कुछ फैब्रिक कलर लिए हैं हॉबी आइडियाज़ के। उसके बाद कुछ मैंने कलर पेपर लिए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर में आपको मार्केट में मिल जाएंगे। सिल्वर, गोल्डन, सारे कलर्स मिल जाते हैं मार्केट में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप के बीट्स यूज़ कर रही हूँ जो मेरे पास रखे हुए थे। जैसे मैं दिखा दूँ, ये ग्लासेस हैं, ये भी मैंने बहुत अलग अलग शेप और साइज़ में लिए हैं। और मैंने यहाँ पर कुछ मोती वाले लेसेस लिए हैं और कुछ स्टोन्स लिए, ये भी मैंने अलग अलग कलर में लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास घर पे जितनी भी लेसेस और बीट्स पड़ी हैं वो सारे आप यूज़ कर सकते हैं। तो और अगर आपके पास नहीं भी हैं तो भी आप बहुत अच्छे से फैब्रिक कलर ही यूज़ करके अपने थाली को बहुत अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं और करवा बहुत अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने ये छन्नी ली हुई है। तो छन्नी को हम ओवरनाइट पेंट करके छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो अगर आपके पास फैब्रिक कलर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई और मेटालिक कलर है वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेटालिक कलर में थोड़ी सी शाइनिंग होती है। तो अगर आप वो परचेज़ कर सकते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके इनर पोर्शन में यहाँ पर पहले फैब्रिक कलर से कलर किया हुआ है और यहाँ जो पीछे वाला एरिया है जो हमें शो होता है मैंने उस पर भी फैब्रिक कलर से किया हुआ है। और जो ये बाकी पोर्शन है हम इस पर डेकोरेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने पीछे कलर इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे लेसेस लगाने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि ये राउंड शेप में है और वो राउंड शेप में लेसेस मुड़ते नहीं हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ कलर किया हुआ है। तो ऐसे आप ये इनर पोर्शन और ये आउटर पोर्शन दोनों में पहले फैब्रिक कलर कर लीजिए। और सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर कलश को भी किया हुआ है। मैंने इसके हाफ पोर्शन पे फैब्रिक कलर किया हुआ है और नीचे फैब्रिक कलर किया हुआ है,
बीच का पोर्शन मैंने छोड़ा है। अगर आपको लगता है तो आप पूरे कलश को भी पहले पेंट कर सकते हैं और उसके बाद डेकोरेशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है अगर हाफ आपको पेंट करना तो आप हाफ भी कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे अभी दोनों ये कलर किया हुआ है, तो अभी इस पर डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स पहले हम ये छन्नी पर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये वाले पोर्शन पे पहले आपके पास जो भी लेस है वो लेस आपको लगानी है। फ्रेंड्स अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप ऐसे जो कलरफुल वाले पेपर होते हैं आप वो भी यूज़ करते हैं, और साइड में बॉर्डर बनाने के लिए कोई दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये लेस पड़ी हुई है, तो पहले मैं इसे यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से स्टिक करूँगी। फ्रेंड्स तो आप ये देख सकते हैं मैंने ये साइड पे ये लेसेस लगा दिए हैं। अब हम इस पे कुछ और डेकोरेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पे एक स्टोन की लड़ी रखी हुई है, आप कोई सी और भी लेस ले सकते हैं। अगर आपके पास सिंगल सिंगल स्टोन है तो आप यहाँ पे सेंटर में सिंगल सिंगल स्टोन पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे ग्लू गन की हेल्प से, ये जो पोर्शन खाली है मैं उस पर इसे ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर रही हूँ। तो आप सिंगल सिंगल भी यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये मैंने ये लेसेस सेंटर पे पेस्ट कर दिया, आप देख सकते हैं ये लेसेस बहुत सुंदर लग रही हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो इनर पोर्शन है इस पे ये मैंने कलर पेपर लिया हुआ था, मैं इसे यहाँ इनर पोर्शन में पेस्ट करूँगी एक राउंड शेप में। इसका जो साइज है इस शेप में काट के मैं ऐसे इसके पूरे किनारे किनारे पेस्ट करूँगी यहाँ पे। ये हमने फाइनली अपना ये पेपर लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक और कोई सी भी लेस लेनी है, अगर आप चाहें तो सेम लेस भी ले सकते हैं। अब हमें इसे इसके कॉर्नर पे लगाना है, जो हमने पेपर लगाया है उसके साइड साइड कॉर्नर पे, ये हमारे एजेस पे हमें लगाने हैं। तो आइए ये भी पेस्ट करते हैं। आप चाहें तो ग्लू स्टिक की हेल्प ले सकते हैं, बेटर है ग्लू गन की कर लें। फ्रेंड्स ये हमने फाइनली लेस इस पर लगा लिया है साइड पे, आप ये देख सकते हैं ये देखने में पूरा कंप्लीट है, बट इसमें कुछ और डेकोरेशन बाकी है अभी। अभी हमको करना क्या है, अब हम ये बीट्स वाली लेसेस ले रहे हैं जिसपे ये मोती लगी हुई है, तो हमें इसे साइड पे अटैच करना है यहाँ पे, ताकि हम जब छन्नी उठाएँ तो ये साइड पे ये बीट्स बीट्स दिखें। और फ्रेंड्स उसके साथ में एक और काम करना है, मैंने यहाँ पे कुछ ग्लासेस लिए हैं, तो इस ग्लासेस को हमें यहाँ पे पेस्ट करना है, कहीं कहीं गैप करके इसे हमें पेस्ट करना है ऐसे, ताकि ये रात को और शाइन करे। तो आइए दोनों काम करते हैं। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं फाइनली ये पूरा कंप्लीट है, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। तो ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं ये जो मैंने ग्लास लगाया उससे लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया है। आप चाहे तो बहुत सारे मिरर से ही डेकोरेशन कर सकते हैं। अब जब एक फाइनल लुक और देते हैं इस पर, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे ग्लास लिया है और उस पर दो स्टोन हैंग किए जैसे हम लटकन बनाते हैं ऐसे। अब मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट करना है, ये सेंटर जो पोर्शन है यहाँ पे एक ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पे ये स्टिक करना है, और एक और मैंने सेम लटकन बनाया उसे हम यहाँ नीचे पे हैंग करेंगे। तो जब हम ये ऊपर ऐसे उठाते हैं तब ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आइए ये दोनों हम हैंग करते हैं, फिर फाइनली हमारा ये छन्नी कंप्लीट है। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये हैंग करने के लिए लटकन लगा दिया है, अब ये पूरा कंप्लीट है फाइनली हमारा छन्नी, आप ये देख सकते हैं ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप ऐसे और बहुत अलग अलग आइडियाज़ लगा के इसे डेकोरेशन कर सकते हैं। आइए अब हम इसके लिए लोटे को डेकोरेशन करते हैं, या तो अगर आपके पास करवा है मिट्टी का तो आप वो भी सेम स्टाइल से डेकोरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो मैंने ये लोटा लिया है तो मैं ये डेकोरेट कर रही हूँ, तो आइए ये शुरू करते हैं। फ्रेंड्स इसके लिए भी पहले मैंने इस पर कलर कर लिया हुआ है, तो आप पहले इसे कलर कर लें, उसके बाद ये सेंटर जो पोर्शन मैंने गैप छोड़ा है यहाँ पे उस पर हमें पहले लेस लगाना है, तो आइए वो लगाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स
फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मैंने इस लोटे पे भी लेस लगा दिया है। अब जैसे हमने छन्नी डेकोरेशन किया था इसके सेंटर पे कुछ बीट्स लगा के, सेम मैंने इसके साथ भी किया है। यहाँ सेंटर से यहाँ पे ये बीट्स लगाएंगे और ग्लू स्टिक की हेल्प से, ग्लू गन की हेल्प से इसे अटैच करेंगे। और ये नीचे वाले पोर्शन पे फ्रेंड्स हम यहाँ पे कुछ ग्लासेस का यूज़ करेंगे, जैसे हमने इस पर ग्लासेस करे थे वैसे कुछ ग्लासेस से डेकोरेशन करेंगे। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नीचे पे स्टोन पेस्ट कर दिया है, सॉरी ग्लासेस पेस्ट कर दिए। आप चाहे तो इस पर स्टोन्स भी लगा सकते हैं या तो ग्लासेस भी लगा सकते हैं। पहले मैंने लेस यहाँ पे रैप किया है, फिर स्टोन्स लगाए हैं, उसके बाद फिर नीचे फिर ग्लासेस लगाए हैं, बच्चे वाले ग्लासेस यहाँ पे लगा दिए हैं। आप चाहें तो आपके पास स्टोन बीट्स जो भी चीज़ें आप किसी से भी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा कलश भी फाइनली रेडी है। तो अभी ये दो हमारी चीज़ें यहाँ पे रेडी हो गई हैं। अब हम फाइनल और लास्ट चीज़ रेडी करते हैं, वो है थाली। तो आइए फ्रेंड्स उससे डेकोरेशन करते हैं। फ्रेंड्स बाकी डेकोरेशन तो हमने कर लिया, अब है थाली के लिए लास्ट डेकोरेशन। तो फ्रेंड्स हमें करना क्या है, पहले तो मैंने इसे पूरा अंदर से फैब्रिक कलर से किया हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रेड फैब्रिक कलर किया हुआ है, उसके बाद वाइट से मैंने इसे आउटलाइन किया है। तो फ्रेंड्स मैंने इसे इसलिए डेकोरेशन किया है क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ अगर जिसके पास स्टोन्स नहीं है वो इससे भी डेकोरेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने साइड पे यहाँ पे फ्लावर्स बनाए हैं, आप चाहें तो सेंटर पे पूरे पे फ्लावर्स डॉट्स बना के ये पूरा डेकोरेट कर सकते हैं, इस पोर्शन पे भी और इस पोर्शन पे भी। बट मैंने यहाँ पे सिर्फ डिज़ाइन के लिए आपको बताया है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास लेसेस हैं, बीट्स हैं, तो तब तो बहुत ही अच्छा है, आप बहुत अच्छे से डेकोरेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। इधर वाले एरिया पे भी हम अभी लेस लगाएंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे कुछ स्टोन्स के मदद से इसे डेकोरेशन करेंगे इस वाले पोर्शन को। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगेन मैं यहाँ पे जो लेस मैंने उस पर यूज़ किया था कलश पे और सेकंड वाले पे मैंने सेम लेस यूज़ किया है, तो मैं इसे पूरी चारों तरफ पेस्ट कर दूँगी और यहाँ पे कुछ साइड पे ग्लासेस भी लगाऊंगी। फ्रेंड्स उसके बाद मैं यहाँ पे इनर लेयर पे भी कुछ डेकोरेशन करूँगी और यहाँ पे कुछ बीट्स लगाऊंगी और स्टोन्स लगाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने इनर साइड पे भी ये एक लेस लगाई है और आउटर पे भी एक लेस लगाई है और मैंने कुछ सेंटर सेंटर पे ग्लासेस लगा दिए। आप चाहें तो पूरा सीक्वल लगा सकते हैं, मैंने थोड़े थोड़े गैप पे लगाया। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ सेंटर से कुछ स्टोन्स और कुछ ग्लासेस लगा के डेकोरेशन करेंगे। तो आइए वो भी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स सेंटर के लिए सबसे पहले मैंने ये बड़ा वाला लिया है, ये पैच है जो मैंने पुराने ड्रेसेस से निकाला है, डोंट माइंड, आप भी पुराने ड्रेसेस से निकाल सकते हैं। वो मैं यहाँ पे सेंटर पे पेस्ट करूँगी, उसके बाद ये वाले जो स्टोन्स हैं ये मैं इसके साइड साइड पे पेस्ट करूँगी। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं फाइनल पूरा कंप्लीट हो गया है, ये कुछ ऐसा लग रहा है। मैंने सेंटर पे फ्रेंड्स वो पैच जो मैंने बताया था वो मैंने लगाया, उसके बाद मैंने साइड साइड पे स्टोन्स पेस्ट किए, उसके बाद फिर ग्लासेस की एक पूरी लेयर लगाई है। तो आप ऐसे भी डेकोरेशन कर सकते हैं, अगर आप खाली पेंट से करना चाहें तो पेंट से कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप देख सकते होंगे तो मैंने इसके सेंटर सेंटर पे वाइट कलर का पेंट भी यूज़ किया है। तो अगर आप चाहें तो सिर्फ पेंट से भी यूज़ कर सकते हैं, पेंट से भी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे मैं आपको और भी बता दूँ, यहाँ पे जो साइड पे पोर्शन खाली है मैं वहाँ पे पेंट से कुछ डिज़ाइन बना देती हूँ। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेंट से भी डेकोरेशन किया है। मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि अगर आपके पास स्टोन्स नहीं है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पेंट से भी बहुत अच्छा डेकोरेशन कर सकते हैं, लेसेस और पेंट से भी बहुत अच्छा डेकोरेशन किया जा सकता है। तो आप ये देख सकते हैं फाइनली हम अब करवा चौथ के लिए रेडी हैं, हमारा थाल रेडी है, हमारा छन्नी रेडी है और हमारा ये करवा भी रेडी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको प्लीज़ मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बिग थम्स अप दें मेरे चैनल को। अगर आप और कहेंगे आपको जो भी चीज़ें देखनी है डेकोरेशन की, मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।
थैंक यू।